आप सब सोच रहे हो मैं जेल में बंद हो गया, एक्चुअली जेल नहीं है, आज हम आए हुए सफदरजंग टॉम में। बहुत अच्छा मकबरा है, देखें इसको दोबारा बनाया गया है। पहले पार्किंग जो थी ना वो इधर थी, इस एरिया पे, यहाँ पर पहले पार्किंग थी, यहाँ पार्किंग का जो है वो हटा दिया गया है, तो रिकंस्ट्रक्शन चला है यहाँ पर, काफ़ी दिन बंद भी रहा था ये। ओ भाई साहब, दरवाज़ा देख रहे हो, चलते हैं दोस्तों, टिकट लेंगे। टिकट वाले काउंटर वाले भैया ये रहे हमारे, ये इसका एंट्री पॉइंट। चलो अंदर चलते हैं। इसका गेट में बहुत अच्छा लगा यार, यहाँ पर इसे गेट पर ही कलाकारी। अच्छा इसका व्यू देख रहे हो आप, एक्चुअली इसका व्यू थोड़ा थोड़ा जो हुमायूं टॉम है ना उसकी तरह है। चलो अंदर चलते हैं, दोनों तरफ ऐसे ही बना रखा है इन लोगों ने। तो सफदरजंग टॉम में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ गुलजार, आप देख रहे हैं वेटिंग माई ब्लॉग। क्या व्यू है देख रहे हो, सनसेट हो रहा है, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। इस तरफ कोई रास्ता जा रहा है, एक्चुअली ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। ऐसे सेम एज इट इज़ बिल्कुल सेम ऐसी गलियारा हमारे लेफ्ट साइड में भी है, ये सेंटर में है और ये है लेफ्ट में। एक्चुअली बहुत दिनों से था कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन इससे व्लॉग तैयार नहीं कर पा रहा था मैं। एक्चुअली यहाँ पे दो डांसर है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कुछ डांस की प्रैक्टिस हो रही थी, भाई ने बंद कर दी, ये लो डांस चालू। तो ये है एंट्री इसकी, कितना अच्छा लग रहा है यार, देख रहे हो गर्मी इतनी हो रही है, दिल कर रहा है कि नहा लूं इसी में। तो यहाँ पर ये जो पेड़ लगा रखे ना, दुबई की याद आती है यार कभी कभी। चलो चलते हैं हम ऊपर, चलो कैमरा में ना। तो दिल कर रहा है बाला गाना गाओ, जाने मेरी जाने मन, पूरा एरिया देखो कितना सुनसान पड़ा हुआ, बहुत मजा आएगा यहाँ पे। ओके कैमरा मैन काम है हमारा, मैं दिखाऊंगा एक कुआं छोटा। तो दोस्तों ये है कुआं, ओह ये तो ढक रखा है यार। तो फाइनली कुएं को देखने का एक तरीका मिल गया है, तो मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। गांव वालों ने तो बहुत देखा होगा यार कुआं, इसकी गहराई खुद देख लो, मुझे मत दिखाना। मम्मी कुआं देख लिया, मजा आ गया, नहीं आया तो कोई नहीं, हम चल रहे हैं ऊपर, इसमें चलेंगे, इस पे हम ऊपर चलेंगे, जाम मस्जिद जैसा बना हुआ एरिया में, सॉरी ये सफदरजंग है, ये कमरे हमारे, और ये रहो ऊपर, आओ ऊपर चलें। ये खूबसूरत मकबरा हमारा, ये देखो बिल्कुल राजा वाली फीलिंग आ रही है, ये देखो आ गया ना मज़ा। फाइनली ऊपर आ चुके हम, और ये कुछ ऐसा है ऊपर से, जैसा कि भैया ने बताया। अच्छा, गार्ड वाले भैया ने अभी हमें बताया कि ये बंद होने वाला है, जल्दी से शूटिंग ख़त्म करो इसकी। तो यार ये बहुत ऊंचा है, ये है मकबरा जिसमें कब्र बनी हुई है बीच में, आई होप कि देख पा रहे हो, ये रहा। तो गाइस ये बिल्कुल सेम ऐसी है चारों तरफ से, आप इधर से जाओगे ना तो घूम के वहां से निकल के वापस आ जाओगे, ये बीच में कब्र बनी हुई है। और यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम है, नहीं तो ऊपर का बिल्कुल बहुत अच्छा व्यू दिखाता है। फिलहाल ये हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं हम, ये है सफदरजंग का मकबरा, ये सारे गेट हैं, और यहाँ पे बिल्कुल सूरज डूबने वाला है, पीछे आप देख रहे हो व्यू बहुत अच्छा है,
और उस तरफ पे थोड़ा अंधेरा होने लग गया है क्योंकि उस तरफ शेडो पड़ती है ना, उस वजह से थोड़ा सा दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ भी फोटो बहुत अच्छे आएंगे। हम थोड़ा शाम में आए, सीधी शूटिंग थोड़ी जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है यहाँ पर, और आप ही पूरा एरिया देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक यही है और साइड साइड में गार्डन सा बना रखा है। तो ये गार्ड वाले भैया अच्छे हैं। भैया नाम क्या है? संदीप। संदीप बहुत सारी नॉलेज दी है हमें, अच्छी चीज बताई है, फोटो अच्छा आएंगे। तो चलो इस शूटिंग खत्म करते हो, चलेंगे। तो ये है सफदरजंग का मकबरा, और जो मकबरा था ना वो है सफदरजंग जी का। बाकी उनकी हिस्ट्री जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेगा तो बड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरी उसे बनाने में। तो फाइनली ये था सफदरजंग टॉम, ये मेरे ऊपर आप देख रहे हो, और टाइम खत्म हो चुका है तो हमें नीचे जाना पड़ेगा, और फाउंटेन के पास रह सकते हैं क्योंकि ऊपर लाइटिंग के लिए ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, मना कर रखा है कि ऊपर नहीं रहोगे। तो कोई नहीं, हम आ चुके हैं इस तरफ को, आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये वही है जहाँ से हमने एंट्री की थी, और ये वही है जहाँ हम गए थे। तो अच्छा लगा। अच्छा, टिकट के बारे में मैंने आपको बताया नहीं स्टार्टिंग में, तो टिकट है इसका 25 रुपीज़ पर पर्सन, और पार्किंग भी है तो अच्छा है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, घर वालों के साथ आओ। टाइम ख़त्म हो चुका है तो हम चल रहे हैं यहाँ से बाहर, अपन बाहर चलेगा, अपना गाड़ी उठाएगा और जाएगा घर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से बता दो यार, और ये ब्लॉग बना दिया है मैंने, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मज़े करो यार, हम तो घूमते ही रहेंगे। ठीक है, तो चल रहे हैं यहाँ से बाहर, फाइनली बंद कर दिया है, मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये इन्होंने यहाँ पर बंद कर चुके हैं कि कोई अंदर ना जाए, इसके लिए ही मैंने इंतज़ार किया था ना कि मैं आपको ये दिखा सकूं। देख रहे हो ना कितना मज़ा आएगा यार, वाह। तो यार ख़त्म इतना ही सफ़र था, ये है एग्ज़िट, और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बता दो ताकि मुझे भी कुछ हिंट मिल जाता यार, क्या चीज़ें थी, क्या करनी थी, क्या नहीं करनी थी, और आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वही बताओ। और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो, वो जो रेड वाली घंटी है ना 10 से बजा दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। और तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, एंड कब मिलेंगे, अब मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।